नमस्कार दोस्तों, राव अकेडमी में आपका स्वागत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो ये क्लास नंबर 24 है, पार्ट सेकंड है ये। ठीक है, पार्ट दो पार्टों में मैंने बोला था, फर्स्ट जो आपके 200 एमसीक्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको दो वीडियो में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 1 to 100 हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1 to 100 टॉप वाले 100 वाले पहले डिस्कस किए हैं हमने वीडियो में। तो अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट 100 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है आपके GOIT एग्ज़ाम के लिए। और तो चलिए, जिन लोगों ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 2020, तो जिन लोगों ने अभी तक राव अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अभी तक बहुत सारे जो सिलेबस है कवर हो चुका है, तो जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो सारी वीडियो आप कंप्लीट वीडियो देखें तो बहुत ही हेल्पफुल आपको मिलेगी इस स्टडी मटेरियल से। तो और एक बात मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में है कि पेपर बहुत ही हाई लेवल का आएगा। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का पूछा नहीं जाएगा, इसमें बेसिक फंडामेंटल का मैक्सिमम पूछा जाएगा। बेसिक फंडामेंटल जिनका क्लियर है उनका ये एग्ज़ाम क्लियर है। बाकी ऑन डिमांड टॉपिक्स, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है कि सर हमारा टॉपिक छूट गया है, कोई भी है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद अब MCQ सीरीज चलेगी, पर मैं अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो उसके थ्योरी पार्ट और MCQ लेकर आपके लिए आऊँगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इससे ऐसा होता है कि ठीक है, हम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, इससे पता चलता है। थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए इन वीडियो को बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये क्वेश्चन भी आपको पिछली बार कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में मिला था। ठीक है, हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो राइट आंसर बिल गेट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेज, ठीक है, तो इनपुट, इनमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं आपके। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कार्ड रीडर हो गया, ठीक है, तो ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेज, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है, तो स्क्रीन हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, तो सारे क्या हैं आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज, ये पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है आपका, कौन सा है, CPU। IBM स्टैंड्स फॉर, तो IBM की फुल फॉर्म क्या है आपकी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है, डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम बाई लाइन बाई लाइन, ठीक है, जहाँ लाइन बाई लाइन आपका आ गया तो समझ लो कौन सा है इंटरप्रेटर है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन हैव द लार्जेस्ट स्पेस, ठीक है, तो पेटाबाइट, इसमें क्या है सबसे हाईएस्ट स्पेस जो जिसमें आप जो है सेव कर सकते हैं, तो पेटाबाइट है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, कोबोल इज यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक, ठीक है, जो कोबोल आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है, वो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है, रैम स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, रैम को ही हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, और मेन फंक्शन रैम का क्या होता है आपका, जो यहाँ पे हमारा CPU है, ठीक है, तो जितने भी करंट टाइम पे जो एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, तो उनको सबसे पहले रैम में हो जाते हैं, और फिर CPU उन चीज़ों की डिमांड करता है, तो रैम से सीधे CPU एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 byte इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 8 bits। नेक्स्ट है, SMPS स्टैंड्स फॉर, द स्विच मोड पावर सप्लाई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड एज, ठीक है, तो ऐसा डिवाइस जो कि डिजिटल डाटा को, ठीक है, एनालॉग लाइन के ऊपर कैरी करवाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडम। मॉडम में क्या लगा होता है आपका, ये क्या है आपका, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है, ठीक है, तो जैसे आपने घर में भी आप मॉडम यूज़ करते हैं, ठीक है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से सबसे पहले जो एनालॉग सिग्नल है मॉडम में जाता है, और मॉडम से फिर वो कन्वर्ट होके जैसे ही सिस्टम पे आप यूज़ करते हैं, तो डिजिटल फॉर्म में मॉडम वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीडियो इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, वीडियो को क्या बोलते हैं हम, स्क्रीन और मॉनिटर भी बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज़ द सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बायो स्टैंड्स फॉर, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायो स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग,
तो नेक्स्ट है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग आपका कौन से, डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर टू एज एज कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता होगा, प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर को पता चलता है कि जो इंस्ट्रक्शन और जो टास्क है वो कैसे कैरीड आउट करनी है, तो वो कौन सा हुआ आपका, इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती हैं आपकी, प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है आपका, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें आपने इनको याद रखना है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट है टेम्प एक्सटेंशन रेफर्स यूजली व्हाट काइंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, टेम्परेरी फाइल। ठीक है, फोर्ट्रान कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मोर सूटेबल यूज्ड फॉर। ठीक है, तो फोर्ट्रान का आपने यूज़ रखना है, जो फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, जो साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेब कैम इज़ एन डैश डिवाइस। ठीक है, तो जो आपका जो वेब कैमरा है वो कौन सा डिवाइस है, दैट इज़ इनपुट डिवाइस। ठीक है, वेब कैमरा, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वेब कैम इज़ एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉल्ड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फोल्डर, उसको क्या बोलते हैं, फोल्डर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज। ठीक है, टेम्परेरी जो जिसमें कि टेम्परेरी डाटा को होल्ड किया जाता है, उससे बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वो कौन सी जगह है, वो मेमोरी में होता है वो। ठीक है, किस में वेट करता है, मेमोरी में, और कौन सी मेमोरी में, मेन मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट है VLSI इज़ यूज इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म है, तो कौन सी जनरेशन में इसका यूज़ किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, IC यूज इन फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन में IC का यूज हो गया आपका। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ होगा, ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का सेकेंड में, IC का आपका थर्ड में, VLSI में का आपका फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ, और जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है डैश इज़ द की टू क्लोज कैंसिल अ कमांड और एंड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स, तो एस्केप बटन हम दबाते हैं, जैसे आपने कुछ क्लोज करना होता है तो आप क्या कर देते हैं, एस्केप बटन दबाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज़ द की वी यूज टू फाइंड द टेक्स्ट। ठीक है, फाइंड करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट कीज अपनाते हैं आपका, कंट्रोल प्लस F। नेक्स्ट है फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज ए बॉक्स F12। ठीक है, सेव करने के लिए डायरेक्ट कौन सा F12 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डाटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, तो उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा डाटा जिसको कि लोग क्या है अंडरस्टैंड कर सकें, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी यूज़फुल पैरामीटर में, और जो लोगों को समझ आ सके, तो उस डाटा कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। द टर्म डैश डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडिड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को अगर एनहांस करना हो तो हम उसमें एक्स्ट्रा क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास 512 GB की रैम लगी हुई है सिस्टम में। ठीक है, तो अगर उसकी जो सिस्टम जो है आपका स्लो काम कर रहा है, तो इसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, या तो डाटा मान लो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम है, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है वो एनहांस हो जाए। नेक्स्ट है अ डैश इज़ ए माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए रैम एक प्रकार का क्या है, वेटिंग रूम। रैम क्या है, एक वेटिंग रूम। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे वेट करते हैं, वेट टू एग्जीक्यूट। क्यों, क्योंकि CPU क्या है, एट टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और उसको स्विच करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, तो वो वेट करते हैं कि जब जैसे ही CPU फ्री होगा तो जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, तो इसको हम रैम को क्या बोल देते हैं, वेटिंग रूम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं इनमें से। ठीक है, सबसे पहले एलोकेट रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स को एलोकेट करता है, मॉनिटर एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी को भी मॉनिटर करता है। ठीक है, मैनेजेज डिस्क एंड फाइल्स, इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है टू मूव ए कॉपी ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड, ठीक है, जैसे ही हम कम्युनिकेशन चैनल में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, जो डाटा जो कॉपी फाइल होगी तो उसको बोलेंगे हम फाइल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक किसका फंक्शन है, बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। द मेमरी विच इज स्टैटिक एज वेल एज नॉन वोलेटाइल इज नेचर इज रोम, ठीक है, नॉन वोलेटाइल की नेचर क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस, आपकी रीड ओनली मेमोरी, रोम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। स्टैटिक भी है, इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है, जो डाटा है आपका वैसे ही सेव रहेगा आपका। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड, ठीक है, तो जैसे जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है, जैसे ये सिस्टम वन है सिस्टम टू है, तो यहाँ से जिस स्पीड से जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बोलते हैं हम डाटा ट्रांसफ़र रेट, डाटा ट्रांसफ़र रेट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑफलाइन डिवाइस। इन विच शॉर्टकट कीज इज यूज टू रन स्लाइड शो, स्लाइड शो जैसे बिगनिंग से हम यूज़ करते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं, F5, डायरेक्ट हम F5 प्रेस करते हैं और स्लाइड शो आपका बिगन हो जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आपका ये शुरू हो गया था आपका, ठीक है, रियल टाइम सिस्टम जो है सो पॉपुलर हुआ था आपके थर्ड जनरेशन से। नेक्स्ट है यू यूज डैश सच एज ए कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस। एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा, ठीक है, किसी भी डिवाइस की ऐसी एबिलिटी जो कि जंप करती है सीधा जो भी रिक्वेस्ट डाटा हम करते हैं तो उसके बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस, रैंडमली, ठीक है, रैंडम एक्सेस, ठीक है, रैंडमली किसी भी डाटा को कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और सिक्वेंशियल के केस में क्या होगा आपका, ठीक है, जहाँ से ये लाइन बाई लाइन स्टार्ट करेगा आपका, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो सीक्वेंस वाइज चलेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसी फाइल को एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है, तो रैंडम एक्सेस में क्या है आप फ्रिक्वेंटली किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क जॉब और प्रोग्राम टू रन सिमल्टेनियसली, ठीक है, तो वो क्या है मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग में क्या होगा आपका एक से दो तीन जो भी यहाँ पे टास्क होंगे उनको एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उनको एक साथ रन करेगा, ठीक है, तो वो आपका मल्टी टास्किंग। द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम प्रोसेसिंग, ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि ठीक है कोई प्रोग्राम है क्या हो रहा है प्रोसेसिंग में है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो रहा है आपका जैसे इंस्टॉल करते हैं तो क्या हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ALU और CU को कंट्रोल बना के क्या बनता है आपका CPU, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, मैंने पहले बताया था प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, रैम इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक आपकी क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज है C++ भी आपकी कोबोल भी, तो MS Excel ये क्या है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है वन निबल इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी बिट्स, ठीक है, तो एक जो निबल है वो आपका कितने बिट्स के बराबर होता है 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU आर कॉल्ड, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है, जो हमारा CPU होता है उसके अंदर भी जो डाटा स्टोर होता है तो वो किस में होता है रजिस्टर में। तो ये मेमोरी हायरार्की मैं आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर आपके होते हैं हमारे रजिस्टर, ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, सबसे पहले ऊपर होता है आपका रजिस्टर जो CPU के सबसे नज़दीक होते हैं, उसके बाद होता है आपका कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद आपका आ गया रैम, फिर देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, तो सबसे जो फास्ट होते हैं वो कौन से होते हैं रजिस्टर होते हैं, अगर कभी ऑप्शन में आ जाए, वैसे अगर फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइस आएगा तो क्या आएगा आपका कैश होगा आपका, पर अगर नियर बाई आएगा तो क्या कौन सा होगा आपका रजिस्टर। नेक्स्ट है रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी, ये हो गया आपका विच वन स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन टेम्परेरीली,
ठीक है, सिलेक्ट ऑड वन, तो इसमें से क्या है, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर, कंपाइलर, ये सारे क्या हैं? देखिए इंटरप्रेटर हो गया आपका, असेंबलर, कंपाइलर, ये हैं आपके ट्रांसलेटर हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से आपका अलग से हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश इज़ एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक सेलेक्शन फ्रॉम द मेन मेनू, मेन मेनू से, ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स इज द राइट आंसर। कबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट स्पैम, ठीक है, स्पैम इसमें से नहीं है, ठीक है, इसमें से हैकर हो गया आपका, वायरस हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, ये आपके रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क इसमें से है, पर स्पैम इसमें नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एनालाइजिंग द डाटा और इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज एक्सेप्ट, तो प्रिंटर गया आपका, आउटपुट डिवाइस है, आपको डायरेक्ट लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा इसका। द सी पी यू एंड मेमरी आर लोकेटेड ऑन द, ठीक है, एक्सपेंशन बोर्ड तो आपका होगा नहीं, स्टोरेज डिवाइस अलग से हो गया, आउटपुट डिवाइसेज आपके एक्सटर्नल डिवाइसेज होते हैं, तो मदरबोर्ड पे जो है सी पी यू और मेमरी लोकेट होते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू, तो इसका ऑप्शन नंबर टी इज़ द राइट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सिस टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डैश डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एफ टी पी स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिव विद नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, स्पेशलिटी कॉल, उनको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस ही है। जैसे आपकी कोई हार्ड डिस्क है डैमेज हो गई, ठीक है, या डाटा डिलीट हो गया, आपने रिकवर करना है, तो सब कुछ रिकवर हो जाता है, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक साइंस से हम बोलते हैं, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक इज़ द राइट आंसर। वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन ए कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रैम। नेक्स्ट है, द डैश डाटा माइनिंग टेक्निक ड्राइव रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल न्यूरल नेट्स। डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट, ठीक है, तो कुकीज इज द राइट आंसर। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो जो सारा जो आपके यूज़र नेम पासवर्ड हैं वो हमेशा सेव रहते हैं, तो किस में सेव रहते हैं, वो कुकीज़ में। अगर आपने उसको टिक कर दिया है तो आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहाँ से, या आप देख सकते हैं कि उसमें से यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है उसमें सेव रहता है आपका, ठीक है, तो इस ऑप्शन को डिसेबल करके रखना आपने। नेक्स्ट है, कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज बार कोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंटरनल स्टोरेज। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द, उसको क्या बोलते हैं हम, RW, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस एरिया ऑप्टिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिवाइस दैट कनेक्ट टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेट टू बी, ठीक है, तो उससे हम इसमें से ये ऑप्शन आ गए नहीं आपकी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। अ पर्सन हु यूज्ड हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेन इन्फॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज, तो उसे हम बोलते हैं हैकर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टू एसेस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज वाया, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर फाइल की हमने प्रॉपर्टी को देखना है तो राइट क्लिक हम करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। विच कमांड इज यूज टू लिस्ट द कॉन्टेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ डिस्क, तो DIR, ठीक है, DIR इज द राइट आंसर। DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क।
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द ऑन द इंटरनेट योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। ठीक है, किसी भी फाइल को हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में, तो ठीक है, तो क्या होता है फाइल उस वक्त ट्रांसफर होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। ठीक है, जब भी हम किसी हार्ड डिस्क को, ठीक है, न्यूली उसको फॉर्मेट करके दोबारा से जो न्यूली ट्रैक और सेक्टर हम बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फॉर्मेट। ठीक है, हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन स्टार्ट। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्ड ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड थस एनहांसेस इट्स स्पीड इज रेफर्ड टू एज रिस्क। ऑप्शन नंबर इज बी इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको और सा दिख रहा है ना, इसमें आपको सीधा पता लग जाएगा, क्योंकि स्टोर डाटा तो है ही, एक्सेप्ट इनपुट भी है, उसको प्रोसेस भी करेगा। ठीक है, तो कॉपी डाटा, कॉपी टेक्स्ट इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्काई इज ए कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स 1024 डिफरेंट करेक्टर्स। इन एमएस डॉस व्हाट कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट। तो डेट कमांड है इसका सही आंसर है। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द प्रोसेसर। व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म। सबसे पहले जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, वो सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है कि वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। विच कमांड इज यूज टू सी द वर्जन ऑफ इन एम एस वी ई आर वर्जन के लिए। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर टू एज लीगेसी सिस्टम। ठीक है, इनमें से विच आर द फॉलोइंग नॉट बाइनरी नंबर। ठीक है, तो बाइनरी नंबर कौन होते हैं जिसमें 0 और 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें 202 लिखा हुआ है, तो वही बाइनरी नंबर नहीं है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, रैम। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज स्मॉलर स्टोरेज, मेगाबाइट। ठीक है, टेराबाइट है, गीगाबाइट है, क्या हुआ बड़े हैं इससे मेगाबाइट से। ठीक है, तो मेगाबाइट स्मॉलेस्ट पूछा है तो मेगाबाइट होगा इसका। विच आर द फॉलोइंग कंटेन परमानेंट ऑफ डाटा एंड गेट अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मास्टर फाइल इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डाटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज्ड। तो उसमें क्या होगा, राइट प्रोटेक्ट नोच होती है आपकी, ठीक है, जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब मॉडम इज कनेक्टेड टू टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, उसमें क्या है, लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होगी, उसमें क्या होगा जो हमारे जो सिमिलर टास्क होंगे, जो जॉब होगी, उसके क्या बैच बना देंगे और फिर वो सीपीयू में एग्जीक्यूट उनको कराया जाएगा, तो बैच प्रोसेसिंग इसका सही आंसर है। इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन किस में होती है, सीपीयू में, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज मीडियम। आपका हार्ड डिस्क है, फ्लैश हो गया, आपका डीवीडी हो गया, ठीक है, तो स्कैनर इज द राइट आंसर। एब्रीवेशन ऑफ KB, ठीक है, किलोबाइट है, तो हम अक्सर यूज़ करते ही हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी लोग GIT की तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम 1 घंटा तो आप टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग किया ही करो, ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम में जैसे ही फिर एकदम से आपकी स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो सकती। ठीक है, तो आप आई होप कि आप प्रैक्टिस डेली कर रहे होंगे, और ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि हाई फाई पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर फंडामेंटल में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो HPGK के अभी लेक्चर शुरू किए गए हैं, उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जो आपका कोई टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऑन डिमांड आप कमेंट कीजिएगा, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब राव अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स।